वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। गाइस क्या चल रहा है, आई होप आप लोग खैर से होंगे जी। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुबारक सबको, चेक करें आप मेरे हाथ में क्या है। और मैं जा रहा हूँ हवेली में जाके सफाई करनी है। और सुबह मैंने एक पौधा लिया था मोती का, वो आपको दिखाते हैं। और वो हम वहाँ पर जाकर लगाने लगे हैं। वहाँ से पहुँच गए पहले और मैं रह गया पीछे, मैं भी जा रहा हूँ उसके पास। और चले चलते हैं और जाके आपको दिखाते हैं और जाके वहाँ पर सफाई वगैरह करते हैं। जरा ना गंद शा काफ़ी आपने देखा हुआ वहाँ पर, तो उसको जरा ना साफ़ करते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ हवेली की तरफ और माज साइकिल पे गया, वो मेरे से पहले पहुँच गया और मैं भी जाता हूँ जाके आपको दिखाता हूँ फिर। तो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं हवेली में। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे आगे पीछे सारा गंद ही गंद नज़र आ रहा है। और ये आप देख सकते हैं माज यहाँ पे, और ये हमारा पौधा मोती का जो मैंने सुबह सिर्फ 100 रुपये का लिया था। और इसको अभी हम लगाएँगे यहाँ पर, जगह साफ़ करके कहीं पर देख के कहाँ लगाया जाए इसको। नीचे बड़ा गंद और पैरों को जो है ना कंडे लग रहे हैं। और सफाई वगैरह करते हैं यहाँ पे, ये चेक करें जी। अच्छा भला पौधा है ये अमरूद का, ये चेक करें। अवाम ने तोड़ के और नीचे गिरा दिया हुआ है, मतलब अवाम की जान को सुकून नहीं है। ये नए पत्ते आए हुए हैं, सारा कुछ सही। और ये यहाँ से देखें तोड़ दिया हुआ है जड़ उसकी, मतलब टूट गई है, नीचे गिर गया हुआ है पौधा ही। अब उसके साथ ऊपर जा रहा है ये, इसको सीधा ऊपर जाएगा, इसको काटना पड़ेगा और फेंकना पड़ेगा, ये खराब हो गया है। इतना बड़ा है, खैर अब बड़ा है तो फिर क्या। अब तो ये साथ ये पौधा है और इसको भी जरा मतलब गंद गुंद पड़ गया हुआ है, इसकी करते हैं अभी सफाई और फिर इसको उतार के फेंकेंगे इधर। ना 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 कर, ना कर, थोड़ा थोड़ा करके ले जाना, बड़ा बड़ा है की जाना अच्छा। चोरी साहब गुस्से वाले हैं, चलो कोई नहीं, हमें माननी पड़ेगी इनकी। अब उसको मज़ा आ रहा है इस टाइम आरी चलाने का, और वो कह रहा है थोड़ा थोड़ा करके लेके जाना। ये अब चेक करना है इसको आरी चलाते हुए, बस बस काट दिए काट दिए आधा, अब फंस गया, काट लेना इसने। पहले मैं इसके साथ करवाता हूँ हेल्प और आपको इस यहाँ से सफाई करके दिखाते हैं फिर। 2000 years later ये तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि आपका भाई हो गया पसीनो पसीन। इधर देखो नजर आया कुछ, तो हूँ इधर देखो तू करना वह तो मेरे, बस ये चीज़ रह गई है और ये निकलनी है कही के साथ। ये इसका जो है ना ये टूटे माइया, वो वहाँ तक था उस बूटे का, वो इसने तंग किया हुआ था। तो अब इसको हमने उतार के यहाँ पे फेंक के ये सारा इसका निकला है। और ये वाला वो है और ये वाला ये है, ये ऊपर झूठे में यहाँ हो रही है। इसके साथ ये एक छोटा पौधा भी लगा, इसकी ज़रा मैंने कहा सफाई कर दो, सफाई वगैरह कर दी हमने। और ये अभी गंद वगैरह उठा के जो गंद है वो बाहर फेंक है, और जो लकड़ियाँ बची हैं वो हम ले जाएंगे घर। एक ये पड़ी हुई है बड़ी लकड़ी, और एक दो वो हैं, और इसके पीछे जो बड़ी बड़ी शाखें लगी हुई हैं, वो टानियाँ बड़ी बड़ी। और ये देखो जी सफाई कर ले यहाँ पे, और ये टान जो फंसा हुआ ये निकल रहा हमारे से, क्योंकि ये निकलना कई के साथ, कई होगी नीचे से सफाई होगी इसका, मतलब मिट्टी साइड पे होगी तो फिर निकलेगा इजीली। ये यहाँ तक हो गया, इसको हमने यहाँ से ले कर यहाँ तक कर लिया। एक दफ़ा ये उस तरफ भी गया हुआ है, इसकी जड़ें जो है ना उस तरफ भी गई हुई हैं, तो ये बहुत मुश्किल निकालना। माज में इसको हला हलू के काफ़ी देख रहे लेकिन नहीं निकल रहा। और इसको अब जो है ना कहीं लेके आएंगे फिर ही निकालेंगे। और अब जो हम जो काम करने थे वो हमने किया नहीं है, मोती का पौधा लगाना है वो लगा ले, वो आगे उस तरफ लगाएंगे क्योंकि वहाँ पे धूप वगैरह आती रहती है। यहाँ पे धूप नहीं आती, यहाँ पे घर बने हुए हैं और इस तरफ धूप नहीं आती, क्योंकि पौधे को धूप भी चाहिए होती फिर उस, इसलिए उसको अब मैं अब बोल के थे ना आप लोग कौन है ये पहचान ली, अब मैं ही हूँ। वो वहाँ पर ना धूप में इसको पेस्ट करेंगे, अब चलते हैं वो आगे, वहाँ से ज़रा सफाई वगैरह करते हैं और फिर वहाँ पे पौधा पौधा लगाते हैं और आपको दिखाते हैं फिर, ठीक है जी। तो कहे फाइनली आपका भाई कहीं किसी से कहीं मांग कर ले आया, और अब हम यहाँ पे सफाई करेंगे। आप लोग देखना मैं सफाई करता हूँ यहाँ पे क्या।
ये जी फाइनली हमारा पौधा लग चुका है, आप लोग देख सकते हैं मैंने पौधा लगा दिया है ऐसे। गर्मी कर दो बंद, किन्नू दबाना, उन्हें दबाना है आओ जी। तो गाइस फाइनली पौधा लग चुका है, आपको दिखाते हैं अभी, ये चेक करें पौधा साहब लग गया, नमाज अभी पानी लगाए डालने लगा इसके अंदर, चलो डालो आराम आराम से डालना, थोड़ा थोड़ा नीचे कर लो, डालो डालो आराम से, कथ दफा हो टोया डाल दिया वहाँ पे, इतने प्रेशर से डाला है, चलो सही करो अब मिट्टी डालो यहाँ पे, डालो डालो शाबाश, गांधे ना डालो घास का, ये इधर से डालो, वो उधर पड़ी हुई वो डालो, वो देखो ये देखो ये टोया बन गया ना यहाँ पे, डालो यहाँ पे मिट्टी, ये चेक कर जी पानी लग गया इसको, और पानी अब हो जाएगा इसके अंदर जज़ब, ये देखें ये जी पानी लग गया, फाइनली हमारा पौधा लग चुका है आप देख सकते हैं, और उधर आप लोग देखें वहाँ पे सफाई हो रही है, क्या करें इधर भी। अच्छा जी इधर भी हो रही सफाई, ये देख लें सारे आज सफाई करने लगते हैं, इसको लेके जाओ इसके पांडे के अंदर डाल के, और वो उधर फेंक के, वो उधर भी देखे इन्होंने निकाल निकाल के बाहर जो है ना गंदे रखा हुआ है, अभी मैं आपको उधर से दिखाता हूँ इन्होंने ये क्या किया हुआ, ये चेक करें ये जो लकड़ियाँ थी इन्होंने वहाँ से काटी हैं पापा लोगों ने, और यहाँ पे फेंकी हैं, और वो माज ने वो घास फेंका है, और ये भी उतार के ये सफाई की है, और वो वहाँ पे हैं तमूड़ियाँ, और उनको डर लग रहा है तमूड़ियों से कहीं आम है काट ना ले। A few moments later जी तो आपका भाई मुँह शुद्ध होकर बिस्किट वगैरह खाता हुआ आ रहा है, अभी चलते हैं फिर अंदर जा, मुझे प्यास भी लगी थी मैं पानी पीने गया था, पानी पी लिया मुँह धो लिया, अब अंदर जाके फिर ज़्यादा लेते क्या हो रहा है अंदर सफाई वगैरह हो रही है, ज़रा देखते हैं जाके, देख सकते हैं ये हमारे गांव का गूंगा साहब है जो कि मेरी बेली से आके लकड़ियाँ चोरी करके लेके जा रहे हैं, चोरी की थी ना हैं, पूछ के लई नहीं पूछ के लई पूछ के लई पूछ के लई हैं, ये जी जाके ये की करनी है नी खानी है नी हैं, मझा नु खवानी है नी आपे खानी है नी, वाकई खाना है लगता तू, ये आप देख सकते हैं ये हमारे गांव का गूंगा इसको कहते हैं गूंगा, और डेग चली आ भैया फाड़ के रख डेग चली आ, और चल लाइया जा खुआ खा फिर जा के लाइया लाइया वो फला, गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमने सफाई देखे कितनी ज़्यादा कर ली यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा, ये चेक करें ये मेरा पौधा जिसके लिए हम आए थे यहाँ पे, और हमारी वेली को साफ़ होना पड़ गया, ये लगा दी मैंने पौधा, अब रोज़ सुबह के टाइम आके इसको हम दिया करेंगे पानी, और ये बाकी पौधे इनकी भी सफाई की है हमने, चित्रोल वगैरह की है इनकी, और ये देख सकते हैं आप लोग के कुछ नज़र आ रहा है, और ये नीचे से हमने सफाई की है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद था आपने जैसा कि पहले वीडियो में देखा था, जैसे आपने पहले वीडियो में देखा था नीचे गंद पड़ा हुआ था, और वो गंद भी आपको दिखाता हूँ कहाँ गया, ये बजरी वगैरह यहाँ पड़ी थी ये साथ कर दी इसके, और ये मैंने सफाई वगैरह की, अभी ये इतना इतना एरिया बस साफ़ किया, और बाकी अभी सारा रहता है अभी बाकी करने वाला, ये इतना एरिया बस किया, ये मास्क कर रहे हैं यहाँ से, वो लोग भी आए थे तो इसलिए हो गया। अच्छा, चलो कैसे भी हो गया, हो तो गया ना, तो ये चक्कर ये जो हमने उतारा था यहाँ पर फेंकी हैं चीज़ें, और ये आगे घास फेंका हुआ है इसके अंदर, ये बड़े पौधे हैं ठीक है जो हमने काट के यहाँ फेंक दिए यहाँ से वहाँ से, और ये यहाँ पे भी गंदा सारा मतलब टोटली, ये भी पड़े हुए पौधे ये उठाए नहीं अभी इस नमाज ने, ये इसकी ड्यूटी लगी यहाँ पे इकट्ठा करें ये, और हम लोग उतार रहे हैं, और वो अभी आपको दिखाता हूँ कि वो जो है ना आगे वो भी पड़े हुए हैं, और बाकी जो है ये ही है बस, इतनी देर में हमारे से इतना ही काम हुआ है, और थोड़ा बहुत ज़रा ना हवेली की शक्ल नज़र आना शुरू हो गई कि यहाँ पे भी कोई चीज़ थी, वरना तो बुरा ही हाल था यहाँ पे घास और कीड़ों मकोड़ों के साथ, तमूड़ियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे ना, और जो मक्खियाँ ना जो काटती हैं वो बहुत ज़्यादा हैं,
उनकी वजह से डर लगता है पौधों को हम काट नहीं रहे। वो दरमियान से ये वाला एक पौधा और एक वो लगा हुआ है ना जो ये वाला पौधा, ये दोनों काट देने हैं। ये नीचे से रख के ना काट देने ये दोनों, क्योंकि इसके ऊपर लगता कुछ नहीं। ये वैसे तो चाइनीज़ नींबू थे जब लेके आए थे, लेकिन लगा इसके ऊपर कुछ नहीं, 4-5 साल हो गए हैं, लगता कुछ नहीं इसके ऊपर। तो क्या है कि तो उसने यही भेजा था, ये चाइनीज़ नींबू छोटे छोटे लगाए थे और ये इतने इतने बड़े पौधे हो गए, आज तक कुछ नहीं लगा। इनको फ़र्क करवा देना, उतार देना इनको, और बाकी पौधे ठीक ही। ये अनार ज़रा गंदे डाला हुआ है इसने मेरे ख्याल से, ये भी उतार देंगे। और बाकी मार लगा हुआ यहाँ पे, और अभी हम जाएंगे घर, और यहाँ मैं व्लॉग करता हूँ एंड। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।